हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कौशिक आपका स्वागत करता हूँ जीके सेक्शन डॉट कॉम के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल में। और आज आप यहाँ देखने वाले हो 15 अक्टूबर 2018 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न व उत्तर हिंदी भाषा में, जो कि आने वाले सभी सरकारी एवं निजी नौकरियों में आपके लिए सहायक होंगे, क्योंकि करंट अफेयर जीके एक ऐसा विषय है जिसके सवाल जवाब अधिकतर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वे SSC की परीक्षा हो, UPSC, बैंक, IBPS या फिर रेलवे संबंधित कोई भी परीक्षा हो, करंट अफेयर के प्रश्न जरूर आते हैं इन सभी परीक्षाओं में। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर एक से। प्रश्न नंबर एक में पूछा गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रखने की घोषणा की है? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी आगरा या डी बरेली। सही उत्तर है इसका इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रखने की घोषणा की। योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने का सुझाव संतों ने दिया। दूसरा प्रश्न, IBM और किसने अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM के तहत चुने गए छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? ए केंद्र सरकार, नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग या डी सूचना आयोग। सही उत्तर है इसका बी नीति आयोग। IBM और नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत चुने गए छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनके तकनीकी कौशल में मजबूत करना और भविष्य की नौकरी के लिए तैयार करना है। वोडाफोन आइडिया ने महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित वोडाफोन सखी की शुरुआत की है, इसका उद्घाटन किस खिलाड़ी ने किया? विराट कोहली ने, पीवी सिंधु ने, सानिया मिर्जा ने या साइना नेहवाल ने। सही उत्तर है इसका पीवी सिंधु। वोडाफोन आइडिया ने महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित वोडाफोन सखी की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किया। इस फीचर के जरिए महिलाएं संकट के समय में बिना इंटरनेट और बैलेंस के भी 10 लोगों को अलर्ट भेज सकती हैं। चौथा प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण और किस राज्य सरकार ने माजुली द्वीप पर रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि रो सेवा शुरू की? पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार ने, असम सरकार या केरल सरकार। सही उत्तर है इसका सी असम सरकार। असम सरकार और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने मिलकर असम राज्य के माजुली द्वीप पर पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ रोरो सेवा शुरू की। यह सेवा के शुरू होने से लगभग 421 किलोमीटर की सड़क मार्ग की दूरी घटकर मात्र 12.7 किलोमीटर हो गई है। पांचवा प्रश्न, अपनी 86वीं वर्षगांठ पर किसने मेड वॉच नामक का एक मोबाइल हेल्थ ऐप की शुरुआत की है? भारतीय जल सेना ने, भारतीय स्थल सेना ने, भारतीय वायुसेना ने या फिर इन तीनों ने। सही उत्तर इसका भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के चिकित्सकों की सहायता के लिए मेड वॉच नामक का एक मोबाइल ऐप हेल्थ लॉन्च किया। यह ऐप www.apps.mgov.gov.in पर उपलब्ध है। छठा प्रश्न, किस कंपनी ने पहली बार पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 40% अधिक नए ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए 28,000 आवेदकों को नौकरी पेश की है? TCS ने, मोटरोला ने, विप्रो ने या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। सही उत्तर इसका TCS। भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS ने पहली बार पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 40% अधिक नए ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए 28,000 आवेदकों को नौकरी की पेशकश की है। सातवां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए किस मामलों में पीड़ित अभियुक्त को ऊपरी अदालतों में अपील करने का अधिकार दिया? राजभाषा से संबंधित मामलों में, आपराधिक मामलों में, कानूनी मामलों में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका बी आपराधिक मामलों में। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आपराधिक मामलों में पीड़ित अभियुक्त को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति MB लोकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने 2:1 के सहमति से सुनाया। आठवां प्रश्न, हाल ही में भारत के किस शहर में सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया? मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में या गोवा में। सही उत्तर इसका दिल्ली। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में सभी गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया। दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली जिन कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा उन कार के मालिक पर ₹500 का जुर्माना लगेगा। तो ये था आठवां प्रश्न,
इसका उत्तर आपने देखा, साथ जानकारी पढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए, प्रिय मित्रों, जो यहाँ पर सभी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षा के लिए, क्योंकि ये हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी प्रश्न में से कोई एक ऐसा प्रश्न हो सकता है जो आपकी अगली परीक्षा में पूछ लिया जाए, या फिर इन्हीं सभी प्रश्न में से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछे जाएँ। तो मित्रों, सभी प्रश्न को आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और साथ ही एक बात और, इन सभी प्रश्न के उत्तरों की जानकारी संक्षिप्त में जरूर पढ़िए, और ये जानकारी आपको मिलेगी आर्टिकल से, और आर्टिकल आपको मिलेगा न्यूज़ वेबसाइट से, न्यूज़ वेबसाइट एवं विकिपीडिया से। साथ ही सभी उत्तरों की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जिसका नाम है www.gksection.com। वहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान सेक्शन पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना होगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। इंडोनेशिया में समाप्त हुए पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कितने मेडल जीते? 50 मेडल, 58 मेडल, 72 मेडल या 84 मेडल? सही उत्तर इसका 72 मेडल। इंडोनेशिया में समाप्त हुए पैरा एशियाई खेलों में भारत ने इतिहास का बेहतर प्रदर्शन करते हुए 72 मेडल जीते, इसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इससे पहले वर्ष 2014 के पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 33 मेडल जीते थे। 10वां प्रश्न, 2018 के पैरा एशियाई खेलों की अंक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा, पांचवा, सातवा या नवा? सही उत्तर इसका नवा। 2018 के पैरा एशियाई खेलों की अंक तालिका में भारत को नवा स्थान मिला। इस वर्ष पैरा एशियाई खेलों में चीन को पहला स्थान मिला। चीन ने 319 मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया। तो ये था 10वां प्रश्न, स्पोर्ट्स जगत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया करके 2018 के पैरा एशियाई खेलों की सूची हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो या ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो मित्रों, ये थे आज के 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि समाप्त हुए। हमें उम्मीद है आपने ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए, क्यों ना इसकी PDF डाउनलोड करी जाए। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, इसका नाम है www.gksection.com। साथ ही आप 10% के अलावा और अधिक प्रश्न वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो, करंट अफेयर GK के सेक्शन पर क्लिक करके। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की वीडियो अपनी डिवाइस पर पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू, कल फिर नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।